Understanding the customer. आज के समय में मार्केट में हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं. बिजनेस पार्टनर्स और कस्टमर्स की बढ़ती एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनसे हमारा व्यवहार और बातचीत बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव हो. आइए ये सिनेरियो देखते हैं. ये हैं महेश जी, जो कि डॉल्फिन ट्रेवल्स के मालिक हैं. इन्हें इस बिजनेस में लगभग 10 साल हो गए हैं. और ये हैं अर्जुन, जो कि अपोलो में बिजनेस कंसल्टेंट पीवी प्रोफाइल में पिछले 3 सालों से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं. महेश जी पिछले 4 सालों से अपोलो कंपनी से जुड़े हुए हैं और लगातार हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, मगर पिछले 3 महीनों से ये अपनी फ्लीट में अपोलो के टायर्स केवल 30% ही यूज कर रहे हैं. आज की मीटिंग के लिए अर्जुन ने महेश जी से पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी. मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है अपोलो एसओए को फर्दर इंक्रीज करने के लिए महेश जी की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को समझना और उन कारणों को भी समझना जिनकी वजह से एसओए में ग्रोथ नहीं आ रही है. अर्जुन ने मीटिंग की तैयारी 2 दिन पहले ही कर ली थी, जिसमें उन्होंने डॉल्फिन ट्रेवल्स की ये सब इंफॉर्मेशन कंफर्म कर ली है, जैसे कि फ्लीट स्ट्रेंथ, मंथली टायर रिक्वायरमेंट, डीलर नेम्स, ब्रांड यूजेज, व्हीकल मिक्स, मेजर रूट, एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड सो ऑन. आइए देखते हैं कि किस तरह से अर्जुन महेश जी के साथ इस डिस्कशन को लीड करते हैं. गुड मॉर्निंग महेश जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अर्जुन जी, आप कैसे हैं? आई एम गुड टू, थैंक यू. सर, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा कि आपने अपने फ्लीट में 5 लग्जरी कार्स को ऐड कर लिया है अपोलो, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद अर्जुन जी. बस काफ़ी दिनों से प्लानिंग चल रही थी और कस्टमर्स की भी लगातार डिमांड आ रही थी, तो मैंने कहा चलो. हाँ, क्यों नहीं सर, ज़रूर. अच्छा सर, जैसे कि परसों भी हमारा फ़ोन पर डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने आपके फ्लीट के डाटा को एक बार स्टडी किया और मैंने देखा कि पिछले 6 महीने में आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपकी फ्लीट में अपोलो टायर्स के शेयर में मामूली ग्रोथ हुई है, तो इसी विषय पर आपसे बात करनी थी. हाँ जी, कहिए. सर, इस टॉपिक को सही से समझने के लिए मुझे आपके फ्लीट्स के कुछ डिटेल्स लेनी होंगी. सर, आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते रहते, हमारा कोई फायदा नहीं कर पाते. सर, इसी इन्फॉर्मेशन से ही मुझे आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन रिकमेंड करने में सपोर्ट मिलेगा. अच्छा जी, बताइए ना, क्या पूछना है? हमारी लास्ट अपडेट के हिसाब से आपके पास 320 व्हीकल्स हैं. पहले 320 गाड़ियाँ ही थी, अब भगवान की दुआ से 130 गाड़ियाँ हमारे ऐड कर दी, अब टोटल 450 गाड़ियाँ होंगी. यहाँ आपने देखा कि अर्जुन के हिसाब से उसके पास प्रॉपर डाटा था, पर उसे चेक करने पर पता चला कि उसमें भी कुछ अपडेशन की जरूरत है, इसीलिए अवेलेबल डाटा को वैलिडेट करना भी बहुत जरूरी है. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है. अच्छा सर, एक बात बताइए कि जो पिछली आपकी रिक्वायरमेंट्स 90 टायर की होती थी, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? अर्जुन जी, अब भी 90 की ही है, एडिशनली जो कार्स हैं वो तो अभी नहीं हुए. हाँ, आने वाले समय पे मेरी मंथली रिक्वायरमेंट्स बढ़ के ही कोई 120 टायर्स हो जाएंगे. सर, जैसा कि हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था कि अभी आप अपोलो के साथ एक और ब्रांड भी इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा पिछले महीने से हमने कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड्स भी यूज़ करना शुरू कर दिया. ओके, और अभी आपका जो रूट है वो राजस्थान और एचपी है. हाँ जी. और अभी आप अपने व्हीकल्स टूरिस्ट और कॉरपोरेट्स को ही सर्व कर रहे हैं. हाँ जी, इसके अलावा पिछले 3 महीने से हमने अपनी गाड़ियों को एयरलाइंस में भी लगाया, एयरलाइंस के स्टाफ के घर आने जाने के लिए. और सर, गाड़ियों में इनोवा, इनोवा क्रिस्टा, अर्टिगा, एटियोस, डिज़ायर, फर्स्ट ट्रैवलर के अलावा भी आपने कोई ब्रांड उसमें ऐड किए हैं? हाँ, BMW और कैमरी की. ओके, थैंक यू सर. अब क्या थोड़ा आप बता सकते हैं कि आपके फ्लीट में अपोलो टायर्स को ग्रो करने के लिए और क्या एक्शन लेने होंगे? अर्जुन जी, अब ठीक है,
जो कुछ भी चल रहा है आपको तो आपका चेंज मिल रहा है ना। हाँ जी सर, वो तो है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपोलो टायर ने हिंदुस्तान में सबसे तेज़ी से ग्रो किया है, और इस ग्रोथ के पीछे आपका फीडबैक से हमेशा हमें सही दिशा मिलती रही है। इसी तरह आपकी फ्लीट में भी आपके सजेशंस की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी ग्रोथ के लिए। अर्जुन जी देखिए, भगवती टायर से हमें 1.5 से 2 महीने का क्रेडिट मिल रहा है। अब आप भी अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो आपके डीलर्स को भी कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना। हमारे तो खर्चे ही बढ़ रहे हैं और मार्जिन बिल्कुल कम, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी कुछ गाड़ियाँ एयरलाइंस में भी चल रही हैं, हमें तो 24/7 सर्विस देनी पड़ती है, इसीलिए हमें ऑन द स्पॉट क्लाइम चाहिए होता है, वो भी डीलर काउंटर पर। सर इसके अलावा और कोई सजेशन? अर्जुन जी देखिए, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि हमारे 450 गाड़ियों में से 150 गाड़ियाँ तो 4 स्टेबल थे, जिनमें से कुछ गाड़ियों में हमने अपोलो के अमेजर एक्सल यूज़ करे थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आई। किस तरह की प्रॉब्लम सर? जो टायर्स हैं वो ऊपर से फूल जाते थे। आपको सही बताऊं तो आपके अपोलो टायर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम की तह तक जाने के लिए मुझे आपकी गाड़ियों से उतरे हुए टायर्स और गाड़ियों की इंस्पेक्शन प्लान करनी पड़ेगी। तो कौन सा दिन सही रहेगा इस वीक में करने के लिए? आप इस इंस्पेक्शन को सैटरडे को रख लीजिए। थैंक यू सर। लो चाय भी आ गई। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इस तरह से पीवी फोर्जा अर्जुन ने महेश जी से बहुत ही पेशेंस और फ्रेंडली माहौल में बात करते हुए उनकी नीड्स, एक्सपेक्टेशंस और कंसर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की।